ज़रूरत होती है कि जब हमें खाना भी नहीं खाना है, कुछ तबीयत भी थोड़ी नरम है, लेकिन बिल्कुल खाली वेजिटेबल सूप भी होगा तो नहीं चलेगा, कुछ तो हैवी चाहिए, लेकिन टेस्टी भी उतना ही चाहिए और बहुत हैवी भी नहीं। तो इसके लिए हम बना सकते हैं जो आज मैंने बनाया, मूंग की दाल के साथ दाल वेजी सूप, जिसमें प्रोटीन भी है तो विटामिन्स भी हैं और फ्रेशनेस भी है और टेस्ट भी है। आप इसे ट्राई करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आइए शुरू करते हैं वेजी दाल सूप। इसमें 2 चम्मच मूंग की दाल ली है, 2 टमाटर हैं और इतना बड़ा लौकी का टुकड़ा है जिसे, और इन दाल को हमने धो के भिगो दिया है और लौकी के हमने टुकड़े कर लिए, टमाटर के भी हमने टुकड़े कर लिए और अब इनको हमने कुकर में डालकर एक सीटी ले लिए। ये देखिए, ये मैंने आप पहले से ये करके रखा है। ये देखिए, इसमें दाल और टमाटर ये दोनों हो रखे हैं। अब पतीली में घी रखा है और उसमें हमने 1 चम्मच थोड़ा सा इसमें जरा सा जीरा डाला है और हम इसके साथ थोड़ा सा इसमें हींग भी डाल देते हैं और इसे तड़कने देते हैं। ये हो गया, इसका छौंक लगा, और अब ये हमारी दाल और टमाटर और लौकी जो कि हमने बॉईल करी हुई, एक सीटी लगा के इसको हमने इसमें डाल दी है। और अब इसमें हम डालेंगे अगर आप लाल मिर्च पसंद करते तो आप इसमें, तीखा पसंद करते तो आप इसमें लाल मिर्च डालिए, क्योंकि मैं तीखा नहीं लेती इसलिए मैं लाल मिर्च नहीं डालती हूँ, चुटकी भर डाल दी। अब इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ अजवाइन, इतना सा, 1/4 चम्मच से भी आधा वो, और पिसा हुआ जीरा ये भी इतना, वही 1/4 चम्मच, चुटकी भर हम इसमें लौंग डालेंगे, पिसी हुई लौंग, और काला नमक 1/4 चम्मच, सादा नमक 1/2 चम्मच, और हम इसे अच्छे से हिला के इसे बंद कर देंगे। बंद करने के बाद हम इसमें डालेंगे पिसी हुई, 1 चम्मच पिसी हुई सौंफ, और साथ में डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च, और हम इसे अच्छी तरह हिला देंगे और इसे थोड़ा सा हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने पर हम इसे ब्लेंडर की मदद से इसको ब्लेंड कर लेंगे। अब इसे ब्लेंडर की मदद से अच्छी तरह ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करने के बाद हम इसे वापस आँच पे रख देते हैं और इसमें, अब ये भी बहुत गाढ़ा है, इसमें हम पानी मिलाएंगे, जितना हमें पतला करना है उतना पानी इसमें मिला देना है। हाँ, अब ये काफी है। अब इसमें हम चीनी मिलाएंगे, एक, 2 और ये 3 बड़े चम्मच हमने इसमें चीनी मिलाई है। अब इसे हम एक उबाल आने देंगे। बस एक उबाल आए फिर हम इसे बंद कर देना है हमको। ये हमारा इसमें उबाल
आ रहा है, बस इतनी देर में हम इसका इसके लिए खुशबू तैयार करेंगे। इसका एक छौंक एक तरह से वो सबसे ज़रूरी, क्योंकि उससे इतनी अच्छी खुशबू आती है। हम एक चम्मच लेंगे जिसका कि बिना डंडे का एक छोटा सा चम्मच या कोई भी मिट्टी का या कुछ भी ले लेते हैं, उसमें थोड़ा सा जीरा, जरा सा हींग और उसमें बिल्कुल थोड़ा सा घी डालते हैं और हम गैस पे इसे गर्म करेंगे। इसे अच्छा सा गर्म होने देना है। बस इसे पूरी तरह पूरा अच्छा तेज गर्म हो जाने देना है ये गैस पे। ये देखिए आप, पूरा ये गर्म हो जाए, एकदम चटकने लगे। बस ये हुआ और अब हम इसे डाल के इसे बंद कर देंगे। बस ये हमारा तैयार हो गया। अब इसे 5 मिनट हम बंद रहने दें। देखिए आवाज़ आ रही है इसमें से, वो उसकी खुशबू उसमें फैल रही है। अब हम इसे खोलेंगे। ये देखिए ये तैयार है और इसकी इतनी बहुत ही इसमें से खुशबू भी आ रही है। बस हम इसे निकाल देते हैं। ये बस हमारा सूप तैयार है। अब इसे हम बाउल में ले लेते हैं। और इसे फ्रेश पुदीने की पत्ती से हम इसे गार्निश कर देते हैं। बस तैयार है।